सो दोस्तों वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ फेसबुक एड्स। एंड जैसे कि मैंने बोला था $3,500 तक की कैसे आप लोग अर्निंग कर सकते हो यूजिंग एआई प्लस फेसबुक एड्स। पार्ट वन में हम लोगों ने कवर किया था लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड कैसे एक पेज सेटअप करके रखना है, एंड ऑल्सो एड रिसर्च कैसे करना है यूजिंग एआई। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था पार्ट वन। अगर नहीं देखा जाके जरूर देखें पहले, देन ये सेकंड पार्ट देखें। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना। एंड सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट आ फेसबुक एड्स। तो गाइस बने रहना मेरे साथ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल को दबा देना, बिकॉज इस पार्ट के बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे फॉर द फेसबुक एड्स एंड एआई एफिलिएट मार्केटिंग। तो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। माय नेम यश पांडे, यू आर वाचिंग एफिलिएट मास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। कम ऑन। सो दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आप चाहते हो एआई प्लस एफिलिएट मार्केटिंग सीखना और अर्न करना $4,000 मंथली, यू कैन ज्वाइन माय ट्रेनिंग एफिलिएट मास्टर 6.0, जिसमें मैंने सिखाए हैं अपने सारे मेथड्स जो कि मैं यूज करता हूं फॉर माय एफिलिएट मार्केटिंग अर्निंग्स। एंड आप भी इनका यूज करके होपफुली यू विल गेट योर फर्स्ट इनकम एंड फर्स्ट सेल्स वेरी सून। तो गाइज ये सब आप कर सकते हो, आपको फ्री मेथड सीखने को मिलेंगे, पेड मेथड्स एंड सारा का सारा बेसिक भी सीखने को मिलेगा, मतलब ए टू जेड अगर आपको सीखना है यू कैन ज्वाइन दिस ट्रेनिंग। इसमें मैंने हिंदी में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताया कैसे मैं यूज करता हूं अपने मेथड्स को एंड कैसे आप लोग भी कर सकते हो। यू विल ऑल्सो गेट माई सपोर्ट, अगर आपको कहीं दिक्कत आई तो मैं हूं आपके लिए। तो जस्ट ज्वाइन इट, इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको मेरा नंबर भी मिल रहा होगा जिसपे आप कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों एक छोटा सा रिकैप कि हम लोगों ने पार्ट वन में क्या क्या सीखा था। हम लोग गए थे सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी नीच में और मैंने एक प्रोडक्ट चूज किया था clickbank.com पर जो कि था न्यूमरोलॉजी रीडिंग। जब हम इस नीच में आएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको मिलता है $9 का कमीशन। और मैंने बताया था कैसे प्रमोट की बटन पे क्लिक करके आप इसकी एफिलिएट लिंक लेकर एक लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे जो कि हम लोग यूज करेंगे। एंड वो लैंडिंग पेज हमने यहाँ से क्रिएट किया था canva.com से। मैं ये आपको लैंडिंग पेज भी दिखा देता हूँ साथ में। एंड वो है ये लैंडिंग पेज, काफ़ी सिंपल है, फ्री न्यूमरोलॉजी रीडिंग। यहाँ पे कुछ नंबर्स है, यहाँ पे स्टार्ट की है, और आप चाहो तो नीचे कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी इनकी भी लिंक दे सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है अगर आप एड रन कर रहे हो तो। मैंने ये सब आपको स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखाना था जितना भी है। एंड ये सब आप करने के बाद आपके पास एक लैंडिंग पेज आ जाएगा। देन आपको एक पेज चाहिए ऑलरेडी फेसबुक में जो कि आपके नाम का हो या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जिसको आप प्रमोट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक में ऑलरेडी मेरा यश पांडे नाम से पेज है जिसको हम यूज़ करेंगे टू रन आवर एडवर्टाइजमेंट। एंड आप चाहो तो न्यूरोलॉजी रीडिंग का कर सकते हो पेज, या फिर कीटो डाइट जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो उससे रिलेटेड एक पेज बना सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज कि हमने बात की थी कैसे आप एड लाइब्रेरी में जाके एड रिसर्च कर सकते हो फॉर एनी पर्टिकुलर एड, जिसमें आपको बस कंट्री सिलेक्ट करनी है ऑल एड्स और उस नाम डालना है उस पर्टिकुलर चीज़ का जिसको आप देखना चाहते हो, जिसके बारे में एड देखना चाहते हो, एंड देन उससे रिलेटेड जितनी भी एड्स है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने बस तो ये देखो कुछ यहाँ पे पेजेस हैं जहाँ पे न्यूरोलॉजी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट जो ये लोग बनाते रहते हैं, तो इनका भी आप यूज कर सकते हो देखो। एंड इस तरीके से आपको काफी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मिल जाएंगी, ये भी मैंने बताया था। एंड देन चैट जीपीटी से हमने एक एडवर्टाइजमेंट के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह ले लिए थे, हमने जस्ट एक प्रॉम्प्ट डाला था कि हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए फॉर द फेसबुक एड्स, एंड देन उसने ये सजेस्ट किया था। फिर मैंने कहा था एड इमोजीज, तो इमोजीज के साथ जितना भी है सारा डिटेल आ गया था। तो हमारे पास अब सब कुछ है, लैंडिंग पेज है, एक हमारा पर्सनल पेज है फेसबुक का, और फेसबुक एड मैनेजर भी है हमारा जो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए डिटेल भी है। तो नाउ अब हम जाते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर पे। अब यहाँ पे बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर आपको सेल जनरेट करनी है तो सबसे पहले मिनिमम आपको कितना रुपए चाहिए टू जनरेट अ फर्स्ट सेल। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, क्योंकि कई लोगों के पास अच्छा खासा बजट होता है, वो दिन का 2,000-3,000 रुपए भी लगा के चेकआउट कर लेते हैं कि उनकी सेल आ रही है या नहीं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट और आपके पास रुपए काफ़ी कम है और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो 200-300 रुपए भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या 500 रुपीस भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपको देखना है कि लोग आपके ऑर्डर पेज तक आ रहे हैं या नहीं। अगर ऑर्डर पेज तक आ रहे हैं देन चांसेस है कि आपकी सेल काफ़ी जल्दी जनरेट होगी। तो उसके लिए ये अगर आपको बजट कम है तो कम से स्टार्ट करो, ज़्यादा है तो ज़्यादा से स्टार्ट करो। लेकिन पहली सेल आने में कितना बजट चाहिए ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता,
कि अगर आपने अच्छे से ऐड बना ली, जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल हो, एक्सपीरियंस वाले हो, तो एक या दो बार ऐड चलाने से आपकी सेल आ जाएगी। अगर आपके पास काफी कम एक्सपीरियंस है, काफी कम प्रैक्टिस की है, पहली बार चला रहे हो, तो दो चार बार भी चलानी पड़ सकती है। और अगर आप लकी रहे तो क्या पता पहली बार में ही आपको पता चल जाए। तो ये सारा का सारा डिपेंड है आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आपके रिसर्च के ऊपर एंड आपके लक के ऊपर। तो सारी चीजें अगर आप ख्याल रखोगे तो आपका जरूर जल्दी जल्दी सेल आएगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे कैंपेन पे, एंड ये जो क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन है, ये ज्यादातर गूगल एड्स में जाओगे वहां पे भी ऐसे ही होता है। तो इसको जस्ट आपको क्लिक करना है, देन चूज करना है एक पर्टिकुलर कैटेगरी को जिसमें आप एड रन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राफिक चूज कर सकते हो एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि मैनुअली एड बनानी है कि आप इनकी मदद से बनाना चाहते हो। तो मैं मैनुअली ही एड बनाऊंगा, बिकॉज मुझे मैनुअली बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि मैं डिपेंड करूंगा फेसबुक के ऊपर कि खर्च करो मेरा पैसा चाहे ऐसे करो। यहाँ पे कैंपेन नाम आप डाल दे सकते हो, यहाँ पे न्यू ट्रैफिक कैंपेन है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही का ऐसा, एंड ओके इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। नाउ अब हम जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर एक एड सेट का नाम है, अगर चाहो तो दे सकते हो। कन्वर्जन में आपको वेबसाइट, मैसेंजर ऐप, कॉल्स, इनमें से एक पर्टिकुलर चीज़ सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पे अगर वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे तो वेबसाइट पे आपको क्लिक करके रखना होगा। जैसे हमने वेबसाइट पे क्लिक किया, नीचे जाएंगे परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज व्यूज पे आप क्लिक कर सकते हो, एंड देन हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे डेली बजट, डेली बजट आप 800 रुपये है यहाँ पे। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं 300 रुपये भी कर सकता हूँ, एंड 500 रुपीज तो कर ही सकता हूँ, एक दो दिन ऐड चला के देख सकता हूँ कि कैसी ऐड है। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट ये चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे लोकेशन। अब लोकेशन में एक चीज़ आपको ख्याल रखनी है, ज़्यादातर टॉप 5 कंट्रीज में ही सिलेक्ट करना, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। तो यूनाइटेड सर्च करोगे आप तो यूनाइटेड किंगडम आ गया, देखो यहाँ पे आप चला सकते हो यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड किंगडम आ गया। एंड यूनाइटेड स्टेट्स पे भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, दोनों कंट्रीज मैंने सिलेक्ट कर ली है। एंड अब नीचे जाऊंगा मैं, यहाँ पे एडवांस प्लस ऑडियंस, मैं यहाँ पे करूँगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। तो हम ओरिजिनल पे जाएंगे, एडवांस पे नहीं जाएंगे, बिकॉज एडवांस पे क्या होगा कि ये फेसबुक आप अपने तरीके से सर्च करेगा। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे खुद ही चाहिए अपनी ऑडियंस। और यहाँ पे एज सिलेक्ट करना है। अब ये जो प्रोडक्ट है जिसको मैं बेच रहा हूँ, उसको किस तरीके के कुछ एज के लोग परचेज करेंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है न्यूरोलॉजी रीडिंग, इसको ज़्यादातर 18 प्लस तो नहीं कह सकते हैं, 20 प्लस लोग जो हैं वो परचेज करते हैं। और मोस्टली जेंडर में बात की जाए तो फीमेल्स ज़्यादा परचेज करती हैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स को, तो मैं फीमेल को सिलेक्ट करूँगा। एंड देन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक भी चूज कर सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे न्यूरोलॉजी का प्रोडक्ट है तो हम सर्च कर देते हैं न्यूरोलॉजी, लेट्स सी यहाँ पे आता है कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी आ रहा है तो हम इसी को सर्च कर देंगे, और जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो न्यूरोलॉजी में भी रखते हैं। नाउ अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज पे आएंगे, लैंग्वेज में हम लिखेंगे इंग्लिश। तो मैं आपको पूरी की पूरी एड बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एंड ये इसको चाहो तो आप सेव कर सकते हो फॉर द टेस्टिंग। एंड एडवांस प्लस ऑप्शन ये प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हो, सो मोर ऑप्शन पे जाके मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इनको अपने हिसाब से करने देते हो, ये आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। एंड आप यहाँ पे चाहो तो इन्वर्टेड पब्लिश ओके, यहाँ पे एडिट पे जा सकते हो एंड मैनुअल प्लेसमेंट पे जा सकते हो। जब आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाओगे तो आपके ऊपर खुद है कि आपको कहाँ पे ऐड दिखानी है। तो मैं अगर सिर्फ फेसबुक पे दिखाऊंगा तो मैं सिर्फ फेसबुक सिलेक्ट करूंगा, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ के सब कुछ हटा दूंगा। तो यहाँ पे स्टोरीज एंड रील्स को हटा दूंगा सबसे पहले, तो अगर मैं चाहूँ तो, अगर आप चाहते हो रील्स में दिखाना तो आप ज़रूर दिखाओ, बिकॉज देन आपके जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। तो रील्स में हम दिखाते हैं, फीड्स में भी दिखाएंगे, तो फीड्स में हम ओपन किए रहेंगे इसको, मार्केट पेज को हटा देते हैं, वीडियो फीड हटा देते हैं, राइट कॉलम, एक्सप्लोर के पेज को चाहो तो दिखा सकते हो, एंड इसको भी हटा देते हैं। इससे आपका जो बजट है काफ़ी ज़्यादा बचेगा। एंड ऐसे ही स्टोरीज पे आते हैं, तो स्टोरीज पे इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, मैसेंजर स्टोरी, मैसेंजर स्टोरीज को हटा देते हैं, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स इन दोनों को बना रहने देते हैं, प्रोफाइल रील को हटा देते हैं। तो इस तरीके से आपको प्लेसमेंट चूज करनी होगी, कहाँ कहाँ आपको ऐड रखनी है, कहाँ कहाँ से हटानी है, एंड नेक्स्ट। अब हम लोग आ गए यहाँ पे जो कि एक लास्ट ऑप्शन होता है टू क्रिएट एन एड,
एंड इसके बाद आपको कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे मैनुअल पे जाएंगे एंड फ्लेक्सिबल और सिंगल वीडियो इमेज, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आते हैं, तो मैं सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक करूंगा। नाउ हम नीचे जाएंगे, मल्टी एडवर्टाइजमेंट एड को हम हटा देंगे, मैं यहाँ पे कम से कम बजट अपना खर्च करूंगा एंड यहाँ से यूआरएल को लेंगे, कॉपी करेंगे सबसे पहले और एड मैनेजर में जाके यहाँ पे वेबसाइट में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड नाउ नीचे आएंगे हम, ये खुद एक कुछ इमेजेस दे देगा, जैसे कि देखो इसने ये बैकग्राउंड इमेज दे दी, लेकिन हम इस इमेज का यूज़ नहीं करेंगे तो हम इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, देखता हूँ मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस हैं जो कि रिलेट करती हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, अगर मैं उनमें से चाहूँ मैं चूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे एक इमेज मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी थी नंबर्स की, उसको मैंने अपलोड कर दिया है एंड नेक्स्ट, एंड जैसे इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसको कर देंगे डन, ये अपने आप से ऑप्टिमाइज कर लेगा कि किस में कैसे दिखानी है, फीड्स में कैसे दिखानी है और रील्स वगैरह में कैसे दिखानी है। एंड यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखेगा, आप यहाँ पे जाओगे प्राइमरी टेक्स्ट, इसको आप चेंज कर सकते हो, तो मैं इस पे लिखूंगा श्री न्यूमरोलॉजी रीडिंग, ये तो हमें प्राइमरी में लिखना ही लिखना है ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। एंड यहाँ पे नाउ हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे अनलॉक द डिस्कवर योर लाइफ पाथ पर्सनलाइज्ड रीडिंग, ओके ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे, इसको हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हेलैंड में हम इसको यूज़ करेंगे, या हेलैंड में हम जो पहले फ्री न्यूमरोलॉजी रीडिंग है वो भी हम लिख सकते हैं एंड जो ऊपर लिखा है उसको हम नीचे कर सकते हैं। तो इसको मैं स्पेस दे के यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड कट। ये AI की मदद से, अब जैसे कि मैंने बोला था ये ऑलरेडी रिकमेंडेड कर रहा है सारी की सारी वेरिएशन, तो हम इसको ऑल टेक्स्ट वेरिएशन पे क्लिक कर देंगे एंड इससे क्या है ये अपने आप अल्टर करता रहता है, बदलता रहता है। अब हेडलाइन में हम यहाँ फ्री न्यूमरोलॉजी रीडिंग कर देते हैं, ओके एंड चाहो तो आप इसमें ईयर भी लिख सकते हो 2024 जो ईयर चल रही है वो, एंड अगर आप हटाना चाहते हो ईयर को तो आप ईयर को हटा भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने हटा दिया एंड नाउ अब ये हेडलाइन के भी ऑप्शंस का अल्टरनेट वेरिएशन कह रहा है, तो अनलॉक योर डेस्टिनी, इसको भी ऑल वेरिएशन पे क्लिक कर देते हैं बिकॉज AI को खुद डिसाइड करने दो कौन सा हेडलाइन अच्छा है। और यहाँ पे हेडलाइन वैसे सारे के सारे मुझे अच्छे ही लग रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हमने चूज कर लिया। नाउ डिस्क्रिप्शन की बात आई, तो डिस्क्रिप्शन भी हम चैट जीपीटी से ही लेंगे, डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, ओके लेट्स सी, शायद इसका भी ऑप्शन AI ही हमें दे दे अभी, लेकिन पहले इसको चेंज करके देखते हैं, ओके तो ये भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया। आप चाहो तो इस टेक्स्ट को थोड़ा बहुत चेंज कर लेना बिकॉज आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया है, काफ़ी लोगों ने सेम ऐड बनाई होगी, सेम चीज़ ऐड की होगी, तो थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, डिट्टो मत करना। कॉल टू एक्शन में लर्न मोर, ओके एंड ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। अभी हम फेसबुक पिक्सल का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि हम तब करते हैं जब हमारे पास अच्छा खासा डेटा हो, अभी डेटा नहीं है, आप पहली बार ऐड रन कर रहे हो, जस्ट आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है एंड जो आपकी ऐड है वो रिव्यू में चली जाएगी एंड इसको थोड़ा टाइम लगेगा, देन ये आपकी पब्लिश हो जाएगी ऐड। जब ये पब्लिश हो जाए, ऐड रन होने लगे, देन यू जस्ट हैव टू वेट एंड सी कितने क्लिक्स आ रहे हैं। अब दिन का मैंने बोला 200-300 रुपये ही ऐड करना स्टार्टिंग में एंड देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया और आपको लगा ऑर्डर पेज तक लोग आ रहे हैं, देन आपकी ऐड सक्सेसफुल हो सकती है। और इसमें जो टारगेटिंग मैंने बताई, इसको और एडवांस कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो एंड उससे भी और डीप जा सकते हो। ये इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा, ये सब कुछ मैं आपको एक कैंपेन बिलिंग कैंपेन नहीं दे सकता बिकॉज अगर मैंने बिलिंग कैंपेन आपको बता दिया, देन सारे के सारे उसी को कॉपी करेंगे और वो फिर कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और उस पर CPC बढ़ जाएगा, देन किसी की भी सेल नहीं आएगी। तो इस वजह से होपफुली आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक इट, इफ यू रियली एंजॉय इट, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नीचे कमेंट करना कैसा लगे वीडियो। इस तरीके की और भी वीडियोस मैं आपकी लाता रहूंगा एंड मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कैसे आप विद द हेल्प ऑफ AI एंड फेसबुक एड अपनी पहली एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। अगर और भी वीडियोस चाहिए ना फेसबुक एड्स, नीचे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई ट्रेनिंग एफिलिएट मास्टर 6.0, इसमें मैंने सिखाया कैसे मैं AI प्लस एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से अर्निंग करता हूँ। इसमें मैंने सारे मेथड्स सिखाए हैं, मेरे जितने भी फ्री मेथड्स हैं, पेड मेथड्स हैं, यू कैन ज्वाइन इट राइट नाउ एंड आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को फॉर मोर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। नीचे कमेंट करना अच्छा लगा अगर ये वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।